नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, हमने देखा है बॉलीवुड में कई तरह के ट्रेंड आते हैं। एक ट्रेंड आया था बायोपिक पे बायोपिक, अब आया है रीमेक पे रीमेक। हमने कई बॉलीवुड फिल्मों को रीमेक देखे हैं जो हॉलीवुड से प्रेरित थे, कई साउथ की फिल्मों के हमने रीमेक देखे। आज जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ वो है 2017 में आई तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक। गाइस, अर्जुन रेड्डी को जब बॉलीवुड में लाया गया तो वो कबीर सिंह बन गया। जी हाँ, और कबीर सिंह है शाहिद कपूर। तो कबीर सिंह का साथ फिल्म में दिया है कायरा आडवाणी ने। जिन लोगों ने 2017 में आई अर्जुन रेड्डी देखी है वो जानते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड था वो एक ऐसे सर्जन पे बेस्ड था जो काफी अल्कोहलिक है, ड्रग्स लेता है, काफी गुस्से वाला है और उस सब में वो अपनी लाइफ को खोज रहा है, लड़ रहा है। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स की वजह वो खुद है, उसका गुस्सा है। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है, स्टार कास्ट बता दीजिए। अब देखते हैं इसका टीजर कैसा है। This is Dr. Kabir Raj Dev Singh. Kabir Raj. He is one of the best Dev students Singh. Ever graduated from Delhi Institute of Medical Science with an impeccable Kabir academic Singh, record. Shahid Kapoor. May I come in, sir? Whoa, guys, that look, beard, shandar, zabardast. Kabir Singh. Hey! Isne touch kiya usko, motherfucker! यहाँ काफी क्यूट लग रहा भाई। ओहो, कायरा आडवाणी लुकिंग सो क्यूट, किसी ने नहीं देखा। सो गाइज, एक मिनट के टीजर से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ये टीजर आपको वो सब देता है। जो बेस्ट चीज जो उसको इस टीजर की मुझे लगी वो थी इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ, ऐसी इसकी वो है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। और स्टार कास्ट में केवल उन्होंने दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया है जो हैं शाहिद कपूर एंड कायरा आडवाणी। मूवी का जो लुक है जिन्होंने अर्जुन रेड्डी देखी होगी वो पहचान रहे होंगे, काफी सिमिलर है। लेकिन डायलॉग डिलीवरी काफी मुझे अच्छी लग रही है। कुछ एक डायलॉग्स थे जो उसमें थे, मैं आपको उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। तो ये इसका टीजर रिएक्शन वीडियो था गाइज, ट्रेलर विल बी आउट सून। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें, पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।